हेलो स्टूडेंट्स तो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा लास्ट लास्ट में हमने डिस्कस किया था मोनेरंस को तो आज डिस्कस करेंगे हम प्रोटिस्टा अब देखिए इसके जनरल करेक्टर क्या होते हैं यू कैरिटिक यूनिसेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रजेंट मीन्स इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रजेंट नहीं होते जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं मेम्ब्रेन होते हैं उन सभी में क्या होती है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नेक्स्ट है सम प्रजेसिस फ्लैजिला और सीलिया फॉर लोकोमोशन तो इसमें प्रोडिस में क्या होता है कि कुछ में तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा लोकोमोशन के लिए और कुछ में क्या होगा सीलिया प्रेजेंट होगा सीलिया जो होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन इनका नंबर जो होता है वो काफ़ी होता है और फ्लैजिला जो होता है ये साइज़ में बड़ा होता है और इनका नंबर जो होता है ये फिक्स होता है फ्लैजिला को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन सीलिया को हम काउंट नहीं कर सकते नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली तो बेटा ये रिप्रोडक्शन जो करते हैं सेक्सुअली भी कर सकते हैं और असेक्सुअली भी कर सकते हैं <coughs> अब देखिए प्रोटिस्टा को यहाँ पर हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया First है फर्स्ट है फोटो सिंथेटिक ऑडोट्रॉप सेकेंड है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट एंड थर्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट अब देखिए फोटोसिंथेटिक जो हैं ये मींस फोटोसिंथेसिस करते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं ये बेसिकली क्या होते हैं ये प्रोटोजो जो, जो कि किसी अदर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होके, ठीक है अपने फूड को लेते हैं या किसी डिकम्पोज़र के ऊपर कोई डेड डी पार्ट है वहां से अपना फूड ऑप्टेन करेंगे या किसी अदर एनिमल पर ये पैरासाइट के फॉर्म में मिलेंगे थर्ड है हमारा सेप्रोफेटिक मिलेंगे सड़ने वाली कोई चीज है कोई चीज सड़ रही है तो वहां पर उसके ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा <coughs> अब देखिए फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक्राफ्ट में सबसे पहला आता है हमारा क्राइसोफाइट्स डनोफ्लैजिलेट्स एंड यूगलिनोइट प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में आता है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन सेलिएटेड प्रोटोजन एंड स्पोरोजोन और सेप्रोफाइट में है हमारा स्लाइम मोल्ड्स अब देखिए सबसे पहले आता है हमारे क्राइसोफाइट्स <coughs> देखिए क्राइसोफाइट्स ये क्या होते हैं यूनिसेलुलर यू बेटा याद रखना प्रोटिस जो होते हैं ये लुलर होते हैं नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक तो इसको किससे देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से नेक्स्ट है फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको और ये मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं इट इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एलगी इसका जो एग्जाम्पल हो गया ठीक है क्राइसोफाइट्स का वो क्या हो गया हमारा डायटम एंड गोल्डन एलगी याद रखना Next है इनके इनके अंदर अंदर के लिए कोई भी अंदर नहीं होता Mostly photosynthetic. ये अपने फूड को जो बनाते है, photosynthesis करके बनाते हैं हैं करके जो होती है वो सिलिका की बनी हुई होगी डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ डायटम्स अब देखिए इसकी जो सरफेस होती है ठीक है वो किससे बंद मीन्स किससे बनतेट होती है डायटम से अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो दिखाई देता है तो डायटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस शेप में हमें देखने को मिलेगा ठीक है इसको थोड़ा सा और देखेंगे कॉलोनीज के फॉर्म में तो कॉलोनीज के फॉर्म में ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है डायटम्स देखिए नेक्स्ट आता है हमारा डायनो ये भी क्या होता है हमारा यूनी सेलुलर ऑडोड्रॉप्स दे अपियर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड इन कलर तो ये डिफरेंट टाइप्स के कलर में हमें दिखाई देते हैं डायनो फ्लैजलेट्स यहाँ शी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बेसिकली क्या है ये मैराइन वाटर है और यहाँ पर ये जो मिल दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन रेड ठीक है तो ये क्या है हमारे डायनो ये क्या होते हैं नेक्स्ट इसमें बाई फ्लेजलेट मीन इसमें क्या होते हैं दो होते होते हैं, होते हैं, मोस्टली मैराइन सेल वॉल जो होती है इसकी वो सेलुलोस की बनी हुई होती है और नेक्स्ट आता है अब का एग्जाम्पल क्या है हमारा यूगलिना तो ये भी क्या होता है प्रोडोजनी है देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फाउंड इन फ्रेश वाटर दे डू नॉट हैव सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ तो बेटा इसमें सेल वॉल एबसेंट होती है और इसमें सेल वॉल की जगह पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेलीकिल पैलिकल क्या करता है इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है ठीक है इसकी जो आउटर बॉडी होती है वहाँ पर क्या होता है पेलीकल प्रेजेंट होता है और इसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है ठीक है इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल लेयर एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन तो ये होता है पेलीकल जो होता है वो बेसिकली क्या है फ्लेक्सीबल लेयर और किसका बना होता है ये प्रोटीन का इसकी आउटर लेयर को क्या बोला जाता है पेलीकल पजेज प्लांट लाइक मीन्स यूगलीना को क्या यूगलीना को कनेक्टिव लिंक बोलते हैं इसके बीच का प्लांट एंड एनिमल के बीच का ठीक है क्योंकि इसमें प्लांट के भी करेक्टर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल के भी अब देखिए प्लांट लाइक करेक्टर क्या होता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट अब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसलिए ये क्या उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ऑटोट्रॉप्स होता है अब बात करें एनिमल लाइक करेक्टर क्या होता है इसमें सेल वॉल जो होती है वो एबसेंट होती है और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हैट्रोट्रॉपिक भी होता है तो मीन्स यूलिना में डिफरेंट टाइप्स के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं यूगरीना के अंदर ठीक है ऑडोट्रॉप भी होता है हाइट्रोट्रॉप भी होता है ये ठीक है याद रखना इसलिए यूगिना को क्या बोला जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स स्लाइमोल्ड्स बेसिकली क्या होते हैं इस सैप्रोफिटिक और डिकम्पोजर होते हैं <coughs> देखिए वुड के ऊपर ये क्या है स्लाइम मोल्ड्स हैं ठीक है ग्रो ऑन डेड एंड डम्पोजिंग मैटर तो जो पार्ट डैड हो चुका हो या डिकम्पोज होने वाला हो ठीक है वहां पर क्या प्रजेंट होगा स्लाइम बोर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं फाउंड इन डार्क एंड डैम प्लेस दीज आर यूनी न्यूक्लियड यह क्या होते हैं यूनी न्यूक्लियर मतलब इनमें क्या होता है केवल एक न्यूक्लियस प्रजेंट होता है अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम जब सुटेबल कंडीशन आती हैं तब ये क्या बनाते हैं प्लाज्मोडियम बेटा नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोडोज ठीक है अब देखिए प्रोडोज में हमें दो कैटेगरी देखने को मिलती हैं एक अमीबॉइड प्रोटोजोन और सेकेंड है हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स अब देखिए अमीबॉइड प्रोटोज ये फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में ठीक है यूज यूज सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन और कैप्चरिंग फूड <coughs> तो इसमें क्या होता है कि लोकोमोशन के लिए एक फॉल्स लेग होते हैं लेग ठीक है उसको क्या बोला जाता है स्यूडोपोडिया बोला जाता है इनमें कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता ठीक है, है? इसलिए इनकी जो आउटर बॉडी होती है उस पर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोला जाता है स्यूडोपोडिया बोला जाता है और ये अपनी बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं लोकोमोशन करते हैं और यहीं से ही इसमें ग्रुप बना के फूड को क्या कर लेते हैं ये स्यूडोपोडिया के थ्रू इंटेक कर लेते हैं ठीक है ये क्या होते हैं होलोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें प्रेजेंट होता है ठीक है एग्जाम्पल तो स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है अमीबा का तो अमीब प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या हो गया अमीबा अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की तो ये क्या होते हैं फ्री लिविंग और पैरासाइट होते हैं ठीक है क्योंकि इनमें क्या होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ठीक है दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर में ये फ्लैजिला है अब देखिए पजेस फ्लैजिला ट्रिपेनोसोमा कॉज स्लीपिंग सिग्नेस इन ह्यूमन अब देखिए एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है ट्रिपेनोसोमा ठीक है ट्रिपेनोसोमा ये क्या करता है स्लीपिंग सिग्नेस डिसीज करता है ह्यूमन के अंदर लेकिन यहाँ पर जो पैथोजन होते हैं ठीक है ठीके? जिसके थ्रू ये डिसीज जो होती मतलब मीस वै जो होता है ठीक है जिसके थ्रू ये डिसीज़ ट्रांसफ़र होती है उसका नाम होता है सीसी फ्लाई ठीक है ये एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है सीसी फ्लाई ठीक है इसके सलाइवा में जब ये ट्रिपेनोसोमा प्रेजेंट होगा अगर ये मक्खी किसी ह्यूमन के ऊपर बैठती है या काटती है उसको तो उसके ब्लड में ये ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ पर उसकी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ करते हैं ठीक है अगर हम बात करें इसकी स्पीसीज़ इस का ट्रिपेनोसोमा का तो इसकी स्पीसीज इस होती है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ठीक है याद रखना ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एक प्रोटोजोआ होता है जो क्या करता है स्लीपिंग सिग्नेस करता है इसका जो वेक्टर होता है जो फैलता है ये वो किसके थ्रू फैलता है सीसी फ्लाई के थ्रू ठीक है याद रखना इस चीज को अब देखिए अब आते हैं हमारे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा किसका है ये पैरामीशियम का तो पैरामीशियम जो होता है वो एग्जाम्पल किसका है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का ये क्या होते हैं एक्वेटिक होते हैं और लोकोमोशन जो करते हैं ये किसके थ्रू करते हैं सीलिया के थ्रू लोकोमोशन करते हैं ठीक है अब बात करें हम स्पोरोजोन्स की तो स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है ये क्या करता है मलेरिया डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में ठीक है नेक्स्ट इसके फर्स्ट है हैव स्पोर लाइक स्टेज कॉल्ड प्लाज्मोडियम ठीक है एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम है ये क्या करता है स्पोर के थ्रू ठीक है ट्रांसफर होता है और इसका जो वैक्टर, हो, means, जो वैक्टर होता है कि जिसके थ्रू जो फैलता है वो होती है एनाफ्लिस मॉस्किटो होता है जिसके थ्रू प्लाज्मोडियम जो होता है ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है अब देखिए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट प्रोटोजोन से जो डिसीज होती है ठीक है जो प्रोटिस्ट डिसीज होती है उसका एक बार देख लेते हैं देखिए सबसे पहला आता है हमारा अमिबॉक डाइस एंट्री फर्स्ट डिसीज जिस प्रोटिस से होती है या प्रोटोजोआ से उसका नाम होता है अमीबा हिस्टोलिटिका ठीक है वेक्टर क्या होता है इसका वाटर सिम्टम्स डायरिया और डिटेल्स मीन्स कैन गेट फ्रॉम टैप वाटर इन सम प्लेसेस ठीक है तो बेटा अमीबा डाइसेंट्री जो होता है ये किस प्रोटोजोआ से होता है अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है और ये वाटर के थ्रू इन्फेक्टियस जो वाटर होता है उसके थ्रू ये फैलता है ठीक है और इसके सिम्टम्स क्या है डायरिया हो जाता है मीन्स लूज मोशन होते हैं और वॉमेटिंग होती है नेक्स्ट <coughs> है जी आर क्या होता है एक्चुअली में एक बीवर फीवर होता है ठीक है किसके थ्रू होता है जी के थ्रू होता है और जीआरडिया को क्या बोला जाता है ग्रांड ओल्ड मैन बोला जाता है ठीक है याद रखना जी का कॉमन नेम क्या होता है ग्रांड ओल्ड मैन ठीक है ये फर्स्ट प्रोटोजोन था जिसको डिस्कवर किया गया था एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक के थ्रू इसलिए फादर ऑफ प्रोटोजोन याद रखना फादर ऑफ प्रोटोजोन जिसको बोला जाता है वो है हमारे एवी ल्यूवेन हॉक ठीक है एवी ल्यूवेन हॉक को क्या बोला जाता है फादर ऑफ प्रोटो प्रोटोजोन या प्रोटोजूलॉजी ठीक है क्योंकि इन्होंने ही क्या किया सबसे पहले प्रोटोजो को डिस्कवर किया था तो उसका नाम क्या था जेआरडिया और नाम दिया था उसको ग्रांड ओल्ड मैन किसके थ्रू वेक्टर क्या है वाटर सिम्टम्स डायरिया वॉमिटिंग ठीक है तो इसको कैसे किस तरीके से डोंट टेक वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स डोंट ड्रिंक वाटर ठीक है नेक्स्ट है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन क्यों क्योंकि क्यों क्यों सीसी फ्लाई मक्खी जो सीसी फ्लाई जो है वो कहाँ मिलती है हमें अफ्रीका में मिलती है किस प्रोटोजोआ के थ्रू होती है ट्रिपेनो के थ्रू सिम्टम्स अनकंट्रोल्ड स्लीपनेस कन्फ्यूज़न मीन्स इसमें जिस किसी को भी ये होता है वो क्या होता है उसको नींद जो होती है उस पर कंट्रोल नहीं होता काफ़ी ज़्यादा सोता रहता है अब देखिए ओनली फूड इन आइसोलेटेड एरिया लिव्स इन ब्लड ठीक है इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं नेक्स्ट है मलेरिया किसके थ्रू प्लाज्मोडियम के थ्रू वेक्टर एनाफ्लीज मॉस्किटो सिम्टम्स फीवर चिल्स एंड डेथ कैन बी ट्रीटेड विथ कोन एक कनेन होती है जिसके थ्रू क्या होता है जो मलेरिया में यूज होती है और ये कुनैन जो एक मेडिसिन है ये ऑप्टिन हम किससे करते हैं सिंगोना प्लांट से लिव इन ब्लड रिजल्ट इन मिलियंस डेथ पर ईयर ठीक है जानना इसको ट्रीट किससे किया जाता है कनेन से इसको ट्रीट किया जाता है और जो होती है किसे मिलती है सिंकोना से नेक्स्ट है टॉक्सो प्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस किससे होता है प्लाज्मा से होता है किसके थ्रू फैलता है ये वेक्टर वैक, क्या है इसमें कैट बिल्ली के थ्रू और ये काफी डेंजर होता है इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है और डेथ भी हो जाती है ठीक है तो उससे बचा कैसे जाता है प्रेग्नेट वुमेन शुड अवॉइड कैट जो प्रीमेंट प्रेगनेंट वुमेन जो होती हैं अगर वो कैट को अवॉइड कर दें मैट मीन्स कैट से काफ़ी दूर हो जाए तो इस डिसीज से बचा जा सकता है ठीक है याद रखना टॉक्सोप्लाज्मो जो डिसीज होती है उसका वेक्टर क्या होता है कैट होता है और प्रो, किस प्रोटोजन के थ्रू फैलता है वो है टॉक्सोप्लाज्मा